सबसे पहले आप अपना नाम, किस कॉलेज से डिप्लोमा किए हैं, कौन सा ब्रांच था और बीटेक में कौन सा ब्रांच मिला है, अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, मेरा नाम उदय कुमार है और हम जीपी सीहोर से सिविल इंजीनियरिंग किए थे 2018-21 बैच वाला, और हम अभी एडमिशन लिए हैं इसमें जीसी अरवल में। ओके, बीसीसीएल जब एग्जाम दिए थे तो उसमें कितना रैंक आपका आया था? 113 यूआर से और बीसी से 42 आया था। आप लैटरल एंट्री की तैयारी सेमेस्टर के दौरान स्टार्ट किए थे कि उसके बाद? बाद में किए थे, एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद स्टार्ट किए थे। हाँ, अच्छा, तो एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम के बाद तो ज्यादा टाइम आपका नहीं था। नहीं तो 2018-21 बैच के थे ना, तो उसमें उसके बाद 1 साल गैप हुआ था मेरा मेरा सेशन लेट चल रहा था। तो 1 साल में मतलब कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे? अच्छा, हम YouTube का वीडियो देखते थे ज्यादा। YouTube पे किस किस चैनल पे विजिट किए थे आप? एक आपका हो गया और एक डायमंड क्लासेस, यही दो जनरली देखते थे हम। तो हमारे चैनल से आप कौन कौन सा सब्जेक्ट देखते थे? इंग्लिश और मैकेनिक्स, और इंग्लिश और डायमंड मैकेनिक्स, सर का? मैथ देखते थे। ओके, मैथ देखते। तो मैथ में कितना क्वेश्चंस जो है आपने अटेंड किया था यार लैटरल एग्जाम में? 30 सब का कहते हैं, 30 मैथ का और 30 मैकेनिक्स का, और इंग्लिश मैकेनिक्स में भी 30 ही किए थे। के टोटल 150 क्वेश्चन में आपने जो है अप्रोक्सीमेटली 90 क्वेश्चंस को जो है अटेंड किए, राइट? आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा किस टॉपिक को आप पढ़े थे, मैथ्स में, मैकेनिक्स में और इंग्लिश इंग्लिश में? नहीं, इंग्लिश पढ़े टॉपिक ऐसे, इंग्लिश मैं में पूछ रहा ज्यादा हम पढ़े थे, वो तो सब्जेक्ट हुआ और ना कि मैथ कौन में सा सब्जेक्ट? तो हाँ, सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैं नहीं हुआ। पूछ रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक को पूछ रहा हूँ कि किस टॉपिक को ज्यादा फोकस मिलता है। टॉपिक मैथ में किए थे मैट्रिक्स का सबसे ज्यादा, लीनियर मैट्रिक्स अलजेब्रा डिटरमिनेंट का। और मैकेनिक्स में? और मैकेनिक्स में फ्रिक्शन पढ़े थे, और क्या ज्यादा नहीं पढ़े थे, ये ओके, ज्यादा तो फोकस हुआ और था। इंग्लिश में? इंग्लिश में हम पूरा पढ़े थे, मतलब ऑल जितना था सब सब लर्न किए थे। सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जैसे अप्रोक्सीमेटली आप कौन कौन सा टॉपिक को टच किए थे, पढ़े थे? इंग्लिश में हो गया थी जो लर्न करना था, वही क्या था, आप पढ़ाते थे वोकल वाला, वो पढ़ते थे, और उसके बाद हर दिन आपका चलता था क्लास, वही पढ़ते थे, हर दिन मरवाते थे सेट, वही करते थे हम। यानी अभी जो याद नहीं लाइव टॉपिक। प्री क्लासेस में टेस्ट लेते थे वही करते थे, राइट? हाँ वही लाइव होला। और जो इस बार एग्जाम देंगे 2023 में, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसे उनको स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए? कहेंगे हाँ, तीनों का तीनों आप देख सकते हैं, अब मतलब आपके पास टाइम है तो 1 महीना में भी कर सकते हैं। हम जनरली 1 ही महीना में किए थे, वो उतना हम नहीं किए थे कि हाँ हमको ये स्टडी करना है। हम डिप्लोमा में आए थे, उसके बाद सोचे थे कुछ अदर पढ़ने के लिए SSJEE, तब इसमें घुस गए कि 1 महीना बचल था, तो इसका तैयारी किए थे एली का। तो SSCJEE का एक महीना में सब्सक्रिप्शन लिए थे या फिर वैसे ही स्टार्ट किए थे यूट्यूब से? नहीं, YouTube से ही पढ़ते थे। हाँ, तो 22 वाला SSCJEE दिए थे? ना अभी नहीं, मतलब ये जो भरे ना, हम सोचे कि फॉर्म भरे हैं तो वो नहीं दिए, क्यों? एक ही पर। ये सोचे कि अब बीटेक करेंगे तो फिर गेट वाला पढ़ेंगे, इसीलिए SSJEE छोड़ दिए। ओके ओके, तो
आप कहना चाह रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं, बट उनका इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम ज्यादा इंग्लिश पर फोकस किए थे। तो फिर इतना अच्छा रैंक कैसे आया? अगर आप सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करते तो मे भी पॉसिबल कि आप सिर्फ निकाल पाते। इतना अच्छा रैंक आने का मतलब है कि आप अदर सब्जेक्ट को भी टच किए थे, अच्छा खासा पढ़े हैं, तभी आपका अच्छा रैंक आया। तो ये कैसे कर पाए? नहीं, हम ज्यादा इंग्लिश कहीं ज्यादा हम पढ़ते थे, और ये सोचे कि इंग्लिश निकल जाएगा तो वो निकल जाएगा, क्योंकि पहले ही से मैथ मेरा अच्छा था। फिर भी आप क्वेश्चन तो प्रैक्टिस वगैरह किए होंगे ना? हाँ, किए थे, ऐसा नहीं कि नहीं किए थे, सब मैथ मैकेनिक सब का किए थे, और इंग्लिश का ज्यादा पढ़े थे, याद करने वाला था तो याद किए थे हम। ओके तो मैथ्स कहाँ से प्रैक्टिस करते थे, अगर प्रैक्टिस करने की बात आई तो? मैथ जनरली आप डायमंड क्लासेस का शॉर्ट वीडियो, मतलब शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन रहता था, उसी का ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते थे, डायमंड टॉपिक वाइज वाला सर। हाँ, शॉर्ट वीडियो मतलब कोई भी रहता था ना कि शॉर्ट सोल्यूशन निकाल लें, वो वाला हम ज़्यादा पढ़ते थे। बुक भी प्रीफर किए थे या फिर सिर्फ वीडियो ही? नहीं, सिर्फ यूट्यूब। सिर्फ यूट्यूब ऑल सब्जेक्ट के लिए, राइट? कई सारे लोगों का सवाल रहता है कि पेड क्लासेस पढ़ें या फ्री क्लासेस बुक पढ़ें, किससे प्रिपरेशन बेस्ड होगा, तो इसमें आप क्या कहना चाहते वो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, अगर आपका कैसा तैयारी है, अगर पहले से अगर आपका मैथ मैकेनिक्स अच्छा है तो आप ये निकाल सकते हैं, अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप ले सकते हैं क्लास। हैं? ओके अगर कोई स्टूडेंट्स है जो सेमेस्टर के साथ इसकी तैयारी करना चाहता है तो वो कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि सेमेस्टर में भी आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं, तो आई होप कि आपको पता होगा कि सिविल इंजीनियरिंग में मार्क्स मायने रखता है सेमेस्टर में, तो उसको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? हम तो बाद में तैयारी कर किए थे, लेकिन अगर पहले तैयारी करना है तो पहले ही से लगना पड़ेगा, मतलब उस सेमेस्टर में है तो शुरू से ही सोचना पड़ेगा, नहीं आपके तो फिर अंत में कॉन्टैक्ट नहीं हो में भी पाएगा, जरूर होंगे क्योंकि तो जो सेमेस्टर के दौरान किए होंगे। क्या आपके बैचमेट तो कुछ वैसे जरूर रहे होंगे जो सेमेस्टर के दौरान किए होंगे 2021 में भी। हाँ किए थे, कुछ लोग भरे थे, तो उस टाइम था ना कि एग्जाम, आज एग्जाम है और कल फिर हम लोग का सेमेस्टर वाला एग्जाम था, लास्ट सेमेस्टर वाला, और बीच में दे दिया था, इसीलिए कोई कोई छोड़ भी दिया, कोई कोई दिया भी, एक दिन के लिए गया और तुरंत आ गया ट्रेन से। तो जो दिया था उन लोगों का रिव्यू क्या रहा था? लोग अच्छा रैंक था, कोई कोई एडमिशन, हाँ सब एडमिशन ले लिया था, राइट, कोई तो कोई फिर अच्छा। कोई बहुत खराब भी रैंक आया था। तो उन लोग से रिव्यू तो लिए होंगे ना कि कैसे तैयारी किए, क्या पढ़े? लोग जनरली बोलता था कि हम वो भी इंग्लिश ज्यादा पढ़ते थे, ओके मतलब आपके हम भी इंग्लिश ही आसपास पढ़े थे। जो भी सीनियर्स रहे या आपके बैचमेट जो ऑलरेडी लेटरल एंट्री को निकाले, वो बेसिकली यही बताया कि इंग्लिश पे ज्यादा फोकस देना। बोले कि इंग्लिश का जो मार्क्स होता है ना, अगर उसमें 35 मार्क्स कट ऑफ कितना रहता है कि इतना नहीं आ पाएगा तो आप छट जाइएगा, कोई वैल्यू नहीं रखता है, इसलिए हम इंग्लिश का फोकस किए थे। सबसे ज्यादा इजी टॉपिक आपको पूरे सब्जेक्ट्स में कौन सा लगा था, मैथ मैकेनिक्स इंग्लिश में? हम तो इंग्लिश ज्यादा पढ़े थे, तो हम जो ज्यादा पढ़ेगा वो आसान लगेगा, इसलिए हमको इंग्लिश आसान लगा। वो तो आसान है ही, इंग्लिश में कौन सा टॉपिक आप ज्यादा फोकस किए थे जो इजी आपको लगा हो? सिलेबल अच्छा, सिलेबस। तो क्या मुझे बता सकते हैं अभी कि सिलेबल कितने तरीके का होता है? लेवल याद नहीं है, ऐसे हम ज्यादा लर्न उला याद किए थे, एज एज कूल एज कुकुम्बर, सिमली याद किए थे? ओके हाँ सिमली बहुत सारा याद किए थे हम। अप्रोक्सीमेटली कितना सिमली याद किए और होंगे? बहुत सारा 70-80 70-80। तो हर जितने दिन याद किए प्रैक्टिस थे करते थे उसमें हम। से कितना क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आया था?
हाँ लड़ गया था, एक सारा लड़ गया था, तो एक एक ही गलत हुआ था लगता है सिमली में, एक गलत हुआ था, बाकी सब सही हुआ था, कंफ्यूजन हो गया था इसलिए गलत हो गया। आप ये बताइए कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स तैयारी करेंगे लैटरल एंट्री का, उनके लिए आप उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मोटिवेट करने के लिए कहेंगे कि तैयारी कीजिए, अच्छा से तैयारी कीजिए, और ज़्यादा इंग्लिश पर फोकस कर सकते हैं अगर मैथ मैकेनिक्स अच्छा है, नहीं तो फिर तीनों को लेकर चलिए, 1 महीना में भी तैयारी हो जाएगा आप अगर कर रहे हैं तो अच्छा से। महीना में तैयारी हो जाएगा, क्योंकि अब जो है अप्रोक्सीमेटली मार्च अप्रैल में तो फॉर्म आ ही जाता है, तो अभी हाँ जनवरी चलने वाला है, एक दिन के बाद तो जनवरी स्टार्ट हो ही जाएगा। जिस दिन आपका सेशन इस रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक दिन बाद तो जनवरी आ ही जाएगा, तो जनवरी के बाद ज्यादा दिन आपका नहीं रहेगा, तो 2-3 महीना रहेगा, उसके बाद फॉर्म आ जाएगा, फिर 1-2 महीना और टाइम मिलेगा एग्जाम को लेकर, तो उनको अभी से तैयारी करना चाहिए। तैयारी कर सकते हैं। आप ब्रांच चेंज करने को लेकर क्यों नहीं सोचे, क्यों सिविल ही लेना चाहें? हम सिविल से थे और फिर सजेशन लिए भैया से, चाहे और अदर जो पहले पढ़ चुके हैं तो उनसे सजेशन लिए कि क्या रहेगा, को मतलब बदल सकते हैं, ऐसे मेरा कंप्यूटर साइंस, मतलब हम सोच रहे थे कंप्यूटर साइंस ले लें, लेकिन बोले हैं भैया कि तुम अगर सिविल से पढ़ रहा है, अगर वही पढ़ेगा तो तुमको आसान लगेगा, और नया पढ़ेगा तो भारी लगेगा, और तुम उसमें जान रहे हो इसीलिए वही पढ़ो, वही चूज करो। ओके, इसके आगे का आपका लक्ष्य गेट आपने बोला, तो गेट के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं या फिर कुछ समय के बाद स्टार्ट करेंगे? हाँ अभी से स्टार्ट करेंगे, अभी किए नहीं है, मतलब कुछ कुछ देखे हैं वीडियो, लेकिन अभी सिर्फ सिलेबस देखे हैं और सिलेबस पर अभी कंटिन्यू चल रहा ओके, तो सिलेबस जो देखे आप गेट का, उसमें आपको कौन-कौन सा टॉपिक लगा कि जो हम डिप्लोमा में अच्छे से पढ़े हुए हैं, कुछ टॉपिक याद है? है। डिप्लोमा में तो नहीं, लेकिन हम जो 10th में पढ़े थे प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स ये सब जो हम लोग का अभी भी पढ़ना है वो सब आ रहा है, और मैथ में प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स ही ज्यादा लग रहा है कि आता है, गेट में भी यही आता है, और थर्ड सेम में अभी हम लोग का भी पढ़ना है। चलो कोई नहीं, जब स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो लैटरल एंट्री का सिलेबस रहा है वही सिलेबस आपको गेट में भी पढ़ना है, एक्सेप्ट सॉलिड ज्योमेट्री को छोड़ दो। सॉलिड ज्योमेट्री इसमें भी अभी लगता है पढ़ना है सॉलिड ज्योमेट्री। नहीं, इस सेमेस्टर में नहीं है आपका सॉलिड ज्योमेट्री, थर्ड सेमेस्टर में नहीं है, फर्स्ट और सेकंड ईयर सेमेस्टर में होगा, वो नहीं कर सकते हैं, बट थर्ड सेमेस्टर में आपका नहीं है। थर्ड सेमेस्टर में आपको प्रोबेबिलिटी पीडीई पढ़ना है, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया, हाँ अभी वही चालू हुआ है, पीडी चालू हुआ है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स। तो वो है, और स्टैटिक्स है और प्रोबेबिलिटी है, थर्ड सेमेस्टर में यही पढ़ना है आपका। चलिए ठीक है, और फाइनली एक बार और कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे जो इस बार तैयारी करेंगे? जो इस बार तैयारी कर रहे हैं कहेंगे कि आप तैयारी कर सकते हैं, मतलब जितना अगर आपके पास टाइम है तो पहले से कीजिए तो अच्छा रहेगा, अगर आप 1 महीना भी तैयारी कीजिएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। चलिए ठीक है, कि आप अपना टाइम निकाले और हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को जो है रखें, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच।